दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ में भगूर दोष को लेकर, लेकिन आज की वीडियो में उसी भगूर दोष के एक बिंदु पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। भगूर दोष में मैंने आपको विस्तार से समझाया था, द्विद्वादश उसके तीन पार्ट आपको बताए थे, द्विद्वादश, नव पंचम और षडाष्टक। उसमें मैंने आपको यह भी समझाने का प्रयास किया था कि अब भगूर दोष से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगूर दोष के इन बिंदु पर हम जो है विचार हम तब भी कर चुके थे और आज हम पुनः इस पर विचार कर रहे हैं। भगूर दोष का एक तो राशि के स्वामी अगर एक हो तो उसका परिहार हमने कहा था, दूसरा उनके स्वामी आपस में मित्र हो तो भी जो है इसका दोष खत्म हो जाता है, और इसका षडाष्टक का जो हमने एक बिंदु आपको अलग से बताया था उसमें मित्र षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक दो पक्ष इसमें हैं। इसमें मित्र षडाष्टक कौन कौन से होंगे, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि उनकी राशि आपस में स्वामी होंगे, जैसे कि मेष और वृश्चिक दोनों का जो अगर देखा जाए तो ये एक और आठ पढ़ रहे हैं, मेष राशि से गिना जाए तो आठवीं राशि पड़ेगी वृश्चिक, लेकिन इन दोनों के स्वामी एक है इसलिए इसका दोष नहीं। तो ये प्रीति षडाष्टक का है। उसके बाद हम मिथुन और मकर राशि को मान लेते हैं, तो इसमें इन दोनों के स्वामी एक हो जाएंगे। सिंह और मीन की भी सेम स्थिति होगी, तुला और वृष दोनों के स्वामी शुक्र होंगे इसलिए इसका दोष खत्म। धनु और कर्क, कन्या और कुंभ, ये षडाष्टक प्रीति षडाष्टक कही जाते हैं। यहीं इसमें शत्रु षडाष्टक अगर हम देखें तो वृष और धनु, कर्क और कुंभ, मेष और कन्या, मिथुन वृश्चिक, सिंह कर्क मकर और तुला और मीन राशि में ये शत्रु षडाष्टक कहा जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शत्रु षडाष्टक और प्रीति षडाष्टक इन दोनों षडाष्टकों का जो आधार है वो क्या है। हालांकि मैं पहली वीडियो में इसको भी क्लियर कर चुका था, लेकिन फिलहाल मैं तब मैंने भगूट पर पूरी चर्चा की थी, आज भगूट के एक पार्ट पर चर्चा कर रहा हूं सिर्फ षडाष्टक पर। तो यानी प्रीति षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक, ये जो है इसका नियम है देखने का। तो अब आप इस बात को समझ चुके हूं, अब आपको षडाष्टक से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिहार मैंने आपको बताया, आप अपनी कुंडली के अंदर स्वयं इसको देख सकते हैं, और यदि आप इसके योग को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने करीबी ज्योतिर्विद से इसका सारा ले सकते हैं, या आपको ऐसा संयोग नहीं मिल पा रहा है तो अध्यात्म ज्योतिष इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिए तो आप इसका समाधान पा सकते हैं। आप सभी दर्शक बने रहे हमारे साथ, आप सभी का